नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में अब हम चलते हैं सोसाइटी की तरफ, जिसमें हम 2021 जीएस पेपर वन सोसाइटी पार्ट को डील करेंगे और इस क्वेश्चंस को। तो इस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो है, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेनस्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। 10 मार्क्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस सीरीज में पहले तो हम आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, पहले तो हम आपको क्वेश्चन एनालिसिस करवाएंगे कि क्वेश्चन के लिए हमें क्या पूछा गया है। दूसरी चीज, उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फाइनली हम आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे कि आंसर को कैसे लिखना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझे तो ये बोलता है यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेनस्ट्रीम नॉलेज सिस्टम। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए कंपैरिजन में बीच पेज में एक साइड ट्राइबल नॉलेज और एक साइड मेनस्ट्रीम नॉलेज को कंपैरिजन में करके लिखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स ज्यादा मिलने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें यूनिक कैसे है ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, इसको समझने के लिए आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए ट्राइबल नॉलेज का, क्योंकि कंपेयर तो आप तभी कर पाओगे मेनस्ट्रीम नॉलेज। अब जब ट्राइबल नॉलेज की बात की है तो नॉलेज क्या होगा, तो इसको देखिए, नॉलेज हो सकता है जो भी आपके मेन पार्ट है, ठीक है। सोसाइटी का नॉलेज हो सकता है, इकोनॉमी का नॉलेज हो सकता है, पॉलिटी का नॉलेज हो सकता है, रिलीजन का नॉलेज हो सकता है, कल्चर का नॉलेज हो सकता है, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का नॉलेज हो सकता है, रिसोर्सेज का नॉलेज हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का नॉलेज हो सकता है। तो जो नॉलेज है वो बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं, इसमें आप पिक एंड चूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक ट्राइबल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमेशा पता होनी चाहिए, जो आपके किसी भी क्वेश्चन को, ट्राइबल रिलेटेड क्वेश्चन को एड्रेस करने के काम आएगी। तो नजर डालते हैं उस नॉलेज पे कि हमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी कैसी थी, ट्राइबल्स की इकोनॉमी कैसी थी, कैसी है, कैसी होती है। तो इनकी बहुत ही प्रिमिटिव इकोनॉमी होती है, ये हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स होते हैं, या कुछ ट्राइब्स जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करते हैं, पर इनकी कोई मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होती, ये बड़े ही प्रिमिटिव टूल्स के साथ काम करते हैं। और इनकी कोई कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती, इनकी होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से रिलेटेड हैंड टू माउथ वाली फार्मिंग, जिसमें ये उगाते हैं वही जो ये खा सकते हैं, जैसे मक्की हो गया, राइस हो गया, मेस, जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जा सकते हैं। उसके बाद इनकी सोसाइटी में हर किसी का रोल होता है, ये इटैलिटेरियन सोसाइटी होती है, इनमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नहीं होती, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि देयर इज कॉमन ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। इनके बार्टर सिस्टम चलता है, अगर किसी को किसी एक चीज की जरूरत है तो दूसरे के पास जो चीज है वो उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, और इनके बिलीफ प्रैक्टिसेस को हमेशा टैबूज और रिचुअल्स गाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो इकोनॉमी होती है वो होती है। पर अगर आप आज की सोसाइटी की इकोनॉमी देखें तो आपको पता है, इट इज ड्रिवन बाय द मार्केट फोर्सेस, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट है, इसलिए देयर इज हाई इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये आपको एक चीज समझ आ गई, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि पहले हमें क्या पता होना चाहिए, थोड़ा उस पर हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद नॉलेज रिलेटेड टू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। अब देखिए, जो ट्राइबल्स हैं आपके, उनको हर्ब्स का डिटेल नॉलेज होता है, वहां की जड़ी बूटियों का, वहां के फूल पत्तों का, उनके क्या यूजेस हैं, क्योंकि इनके पास मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम का एक्सेस नहीं है। तो ये क्या करते हैं, बुखार आया, इस पेड़ के पत्ते हैं, जल से इसे वो पीसे, कहीं पे लेप लगा दिया, कभी पानी में घोल के पिला दिया। तो इसी तरीके से इनका जो है वो इंस्टेंट है, नॉलेज जो है वो बेस्ड है इनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, जो इनको जनरेशन वाइज समझाया गया है, ट्रांसफर किया गया है इनके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, सहरिया ट्राइब राजस्थान में है,
इट यूजेस लीव्स ऑफ अ ट्री एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि उनके पास नॉर्मल जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनका एक्सेस नहीं है. उसी तरीके से जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, आज तो आप चले जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, ठीक है, और ले लेते हैं मेडिकेशन, पर ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो ये शमंस के पास चले जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि शमन जो इनके तांत्रिक टाइप्स के होते हैं, ट्राइबल में आपने हमेशा देखा होगा कि बड़े से बाबे, तो कोई भी बीमारी हो, कुछ भी वहम हो, तो ये मानते हैं कि वो इविल स्पिरिट की वजह से हुआ है. तो शमन के पास जाते हैं, वो ऐसे नकली झाड़ फूंक करता है और इनको बिलीव हो जाता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए, एंड अल्टीमेटली ये ठीक हो भी जाते हैं, क्योंकि वो जो दिमाग की बीमारी है, दिमाग की सोच है, वो खत्म हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनके ट्रीटमेंट मेथड होते हैं, एंड मोस्टली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन नेचुरोपैथी, क्योंकि इनको नेचर का बहुत नॉलेज होता है, वहां की ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, जो हर्ब्स है उनका बहुत नॉलेज होता है. उसके बाद अगर बात करें, इनका नॉलेज एनिमल कंजर्वेशन को लेकर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दे लिव विद द प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस. इनके मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान की अगर आप एक ट्राइब के बारे में जाने तो एनिमल्स रेगुलरली उनके घर पे उनको विजिट करते हैं, ठीक है, एंड दैट ट्राइब इज नोन फॉर एनिमल कंजर्वेशन, जिस तरीके से जो कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, तो इनकी वो नॉलेज बहुत अच्छी होती है. फिर इनका डिजास्टर मैनेजमेंट, जब सुनामी आई थी 2004 में, उस वक्त इनको बचाने के लिए जो मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट है वो तो लेट पहुंचा, बट इनके कुछ तरीके होते हैं जिससे इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है या डिजास्टर आने वाला है, तो उसका आइडिया लगाकर ये कोस्ट से दूर किसी हाइट की तरफ या किसी इस तरीके से कि जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, है ना, तो इनका वो नॉलेज वहां काम आता है. देन अगर आप एनवायरमेंट कंजर्वेशन और नेचर की बात करें, तो ट्री रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय कितने फेमस हैं, है ना, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे ये ट्रीज की रूट को नेचुरल वे में गाइड करके, ठीक है, विदाउट एनी वहां की इकोलॉजी को डिस्टॉर्ट करके, कंजर्व करते हुए कैसे डेली जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल मैनर में जीते हैं. उसी तरीके से अगर आप शिफ्टिंग कल्टिवेशन की बात करें, तो इनके झूम साइकिल्स जो थे वो बहुत ही लंबे होते थे, 20 से 25 साल तक वो फैले होते थे. आजकल के झूम साइकिल्स इतने छोटे हो गए हैं, 5 से 10 साल में, जिसकी वजह से लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो रही है. तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, जितना भी ट्राइबल नॉलेज है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, इंक्लूसिव है, ठीक है, प्रिवेंटिव है, प्रोटेक्टिव है, तो बहुत ही यूनिक है ना. फिर आप बात करते हैं नॉलेज रिलेटेड टू सोशल सेटअप, रिलीजन, पॉलिटी, कल्चर थोड़ा सा, तो बहुत ही सिंपल सोसाइटीज होती है, कोई हायरार्की नहीं होती, कोई क्लास इनइक्वालिटीज नहीं होती, सब में प्यार होता है ना, कोई भेदभाव नहीं होता, सिंपल रिलीजन इनका चलता है, एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलीजियस एक्टिविटीज में ये बिलीव नहीं करते. हाँ, भूत प्रेत, गुड स्पिरिट, बैड स्पिरिट में इनका काफी विश्वास रहता है, पर वो एज अ सोशल कंट्रोल भी ये यूज करते हैं, है ना, उसकी वजह से सोशल ऑर्डर भी मेंटेन रहता है, क्योंकि इनको होता है अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो बुरी स्पिरिट हमारा बुरा कर देगी. इन सोसाइटीज में कोई चोरी नहीं होती, कोई क्राइम नहीं होता. तो इन नटशेल अगर आप देखें, तो जो भी इनके बिलीफ प्रैक्टिसेस है, जो भी इनका यूनिक ट्राइबल नॉलेज है, वो इनके ना सिर्फ इनके काम आता है, बल्कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, अपने अपने हर डोमेन में कैसे डील करना चाहिए. ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए अब ये तो हमने आपको बताया कि आपको ये सब कुछ इनके बारे में पता होगा, इकोनॉमी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, सब कुछ कैसा है, तब भी आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन एड्रेस करना कैसे है. ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. The uniqueness of tribal knowledge system lies in the fact that it has been gained after centuries of observation, is preserved in tribal customs and traditions, and such wisdom makes them capable to deal practically with adversities to survive. When compared with the mainstream knowledge, it can be seen that. So, introduction में ही आपने tribal knowledge की uniqueness को बता दिया है.
ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन से चला है, ट्राइबल कस्टम ट्रेडिशन से चला है। अब हम देखते हैं कि इसको कंपैरिजन कैसे किया है। आप या तो एग्जांपल्स यही डाल सकते हैं, मैंने अगले पेज में एक्सप्लेन किया है, या वैसे कर सकते हैं, या अभी जो हमने पीछे पढ़ा उसके एग्जांपल्स आप यहाँ कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ट्राइबल नॉलेज इज कलेक्टिव, मतलब सबका नॉलेज है और सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। Every individual knowledge contributes to that of tribal organization knowledge. मैंने आज अगर कुछ देखा, कुछ सीखा, तो मैं जाकर उसको पेटेंट नहीं करूंगी, मैं फटाफट ना कोई बड़ी एक्सपेरिमेंट करूंगी। अगर मैं एक ट्राइब हूं तो फटाफट मैं दूसरी ट्राइब को, तीसरे को, सबको बताऊंगी कि यार वहां पे मैंने ये चीज सीखी और ये होता है। तो वो नॉलेज जो है, एवरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एंड इट इज कलेक्टिव, तो वो सबको पता होता है, ठीक है। बिकॉज वो इंटरजनरेशनल ट्रांसफर जो होता है वो कस्टम एंड ट्रेडिशन में हो जाता है ना, वो सोशलाइजेशन में हो जाता है, ठीक है। एंड पर मेन स्ट्रीम नॉलेज इज, इट इज साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड गेन्ड आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। आप यहाँ एक एक एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। Tribal knowledge is informal, it is unwritten, it is not documented. However, the mainstream knowledge is mostly formal, written, patented, documented and recorded. ठीक है, and printed also. So tribal knowledge, it deals with how things really work on ground. क्योंकि उनको बड़ी theories नहीं पता, उनको कोई बड़ी science के law नहीं पता, उनका जो सब कुछ है वो personal experience से मिला है, ठीक है। तो कैसे उस हालात में जहाँ की वो ट्राइब है, कुछ ट्राइब्स हिमालयन ट्राइब्स है, उनका अलग नॉलेज है, कुछ ट्राइब्स सेंट्रल इंडिया की है, उनका अलग है, आइलैंड वालों का अलग है। तो जो ग्राउंड में उनको काम देता है उनका नॉलेज तो भाई उससे लिमिटेड रहता है ना। और मेन स्ट्रीम नॉलेज, बुकिश नॉलेज मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियालिटी। देखा गया है ना ऐसे कि किताबों में कुछ लिखा है पर जब आप असली में डील करने जाते हैं तो कुछ और हो जाए, देयर इज अ बिग डिफरेंस, है ना। फिर उसके बाद ट्राइबल नॉलेज, इट मे बी प्रैक्टिस इन फॉर्म ऑफ रिचुअल कस्टम टैबूज। अब कैसे बताएंगे, जब कोई किताब नहीं है तो वो लोग कथाओं में सुनाएंगे, गीतों में गाएंगे, फेस्टिवल्स में मनाएंगे, ठीक है, कस्टम्स में अपने डालेंगे। तो इस तरीके से नॉलेज जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन मेन स्ट्रीम नॉलेज, इट इज प्रैक्टिकल इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक लॉ एंड सोसाइटल रूल्स। वो कैसे चलता है, प्रॉपर एक प्रोसीजरल मैनर में, है ना। ट्राइबल नॉलेज, इट मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, समटाइम्स बेस्ड ऑन सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड अजम्पशंस। मान लो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, आज अगर वैसी चीज हुई तो ऑब्जर्वेशन भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलेगी, इनिशियली नहीं चलेगी, है ना। तो कई बार वो वहम में भी फंस जाते हैं, ठीक है। बट मेनस्ट्रीम नॉलेज, एजुकेटेड सोसाइटीज मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे हैव बिकम मोर साइंटिफिक, ठीक है, एंड देयरफॉर दे हैव बिकम फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड दे वर्क ऑन रेशनल प्रिंसिपल्स। तो ये एक हमने इनका डिफरेंस देखा। इसमें आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं जो मैंने पहले कोट किए हैं, वरना एंड में कुछ मैंने बताया है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि हाउएवर uniqueness of tribal knowledge about flora, medicinal plants and their uses. Example, Sahariya tribe का example दे दिया यहाँ पे, ठीक है, naturopathy का example दे दिया। तो their way of life is environment friendly. It is about sustainable development. Much needed to address present day challenges in order to contain climate change, survive disasters. For example, Chum cycle का example दे दिया। However, tribal knowledge is eroding at a faster rate. Hence, mainstream population needs to learn, preserve, and integrate tribal knowledge with mainstream knowledge with efforts such as traditional knowledge, digital library, etc. तो इस तरीके से आप जो है कुछ angles current के भी डाल सकते हैं इसमें, समझने के लिए। तो आई होप आपको पता चला कि क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, क्या मटेरियल हमें पहले चाहिए और कैसे लिखा जा सकता है। अब हम चलते हैं सोसाइटी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो 2021 मेंस में पूछा गया है। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज गिग इकोनॉमी,
impact of gig economy on women working force, how gig economy is leading to empowerment of women, फिर इसका critical angle कि क्या problems है, क्या issues involved है, एक positive outlook के साथ आप इसको conclude कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपको लगेगा कि gig economy क्या चीज है, word ही ऐसा है, कहाँ से पूछा गया है, तो ये देखने की जरूरत है कि आपका जो gig economy है ये newspaper में prominent था. 1 सितंबर 2019 में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, गिग इकोनॉमी क्रिएटिंग लैक्स ऑफ जॉब्स. 9 अक्टूबर 2021, 29 अक्टूबर 2021, इस तरीके से और भी बहुत सारी डेट्स को जो है न्यूज़पेपर्स में गिग इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है. तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपका पार्ट है जो यूपीएससी के मेंस में पूछा जा रहा है, या तो वो आपका ट्रेडिशनल सिलेबस का पार्ट होगा जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, या फिर वो करंट का पार्ट होगा जो न्यूज़पेपर में आ रहा है. तो जब भी आप न्यूज़पेपर में कोई नई टर्मिनोलॉजी देखिए तो उसको जरूर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? तो अब इसका नॉलेज जो है सारा हमने आपको प्रिपेयर करके प्रोवाइड करवाया है कि इन्हीं चीजों का आंसर आप वो भी देख सकते हैं. मैं जल्दी से एक आपको ब्रीफली समझाती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टली कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. इसमें हमने आपको बताया है गिग इकोनॉमी क्या है, कि गिग इकोनॉमी वो होती है, इट इज जस्ट लाइक अ हायर एंड फायर फ्रीलांस वर्क. जब जरूरत हो परमानेंट जॉब की जगह, जब जरूरत हो टेम्पररीली उस काम के लिए रखा, एक बार वो काम हो गया, फायर, ठीक है? तो गिग इकोनॉमी कहाँ क्यों इमर्ज कर रहा है, ठीक है? ये कि मेजर मार्केट फोर्स वो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि ये समझने के लिए ये क्वेश्चन आप तभी एड्रेस कर पाओगे जैसे आपको अच्छे से, अगर रॉ मटेरियल हो, इट इज जस्ट लाइक कुकिंग. अगर आपको कोई डिश बनानी है, सपोजिटली नूडल्स, तो आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, डिफरेंट वेजिटेबल्स मार्केट से, नूडल का पैक, डिफरेंट सॉसेस. तो ये वही रॉ मटेरियल गैदरिंग है. एंड में हम फाइनल डिश पे चलेंगे, ठीक है? तो बिना रॉ मटेरियल के डिश नहीं बनती. अगर आप सोचोगे कि बिना टॉपिक को अच्छे से समझे आप फटाफट एक बढ़िया प्रेजेंटेशन दोगे, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है? इफ योर रॉ मटेरियल इज गुड, योर प्रेजेंटेशन इज गुड. सो लेट अस सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स इमर्जिंग एज अ मेजर मार्केट फोर्स. इंक्रीज लेबर फोर्स बढ़ गई है, ठीक है? पे पर टास्क मॉडल इज आइडियल फॉर स्टार्टअप्स. वर्कफोर्स आजकल बहुत मोबाइल है, वर्क कैन बी डन डिजिटली ऑन रिमोट प्लेटफॉर्म्स एज वेल. लोगों की हायर एस्पिरेशंस हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने मेन काम के साथ पार्ट टाइम वर्क भी ढूंढ रहे हैं, उसको वो भी गिग इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है. और बिजनेसेस का टाइप भी बदल गया है, अब बहुत सारे बिजनेसेस हमारे वर्चुअल हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, है ना? तो अब अगर गिग इकोनॉमी एंड वेमेन को समझे तो उनको बहुत सारे फायदे हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं. बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, डिजिटल वर्क प्लेस है, लाइफ फैमिली बैलेंस है, फ्रीडम टू चूज है, देयर इज नो इशू ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है? देन ऑप्शन ऑफ स्विचिंग व्हेन रिक्वायर्ड. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि गिग इकोनॉमी ने वुमेन के ऊपर क्या असर किया है, ठीक है? नीड क्या है गिग इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए? तो जैसे यूएनडीपी और फिक्की ने एक डाटा पे स्टडी की थी और डाटा प्रोवाइड किया कि रीस्किलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है, फेवरेबल लॉज की जरूरत है ना? तो इसके तहत कुछ गवर्नमेंट लॉज भी लेकर आई थी, वो हम आगे देखेंगे कि हमने आंसर में कैसे ये सारी नॉलेज इंटीग्रेट की है. ये तो थी कि गिग इकोनॉमी जब आप टॉपिक न्यूज़पेपर में इतने सब डायमेंशन से पढ़ें, ठीक है? अब डायरेक्टली चलते हैं प्रेजेंटेशन पे कि हमें आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है. सी, दिस इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में ही हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. गिग इकोनॉमी, अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इज अ फ्री मार्केट सिस्टम इन विच temporary positions are common and organizations hire independent workers for short-term commitments. World saw a boost in gig economy post-COVID-19 pandemic. Introduction ne hi sab kuch explain kar diya examiner ko ki student ko, writer ko, bachche ko acche se pata hai gig economy kya hai. It can give a very positive impact or a very negative impression, hai na? तो फिर उसके बाद अब इसको लिंक करना है डायरेक्टली किसके साथ,
ठीक है, इसको हमने लिंक करना है डायरेक्टली आपके आंसर के साथ। गिग इकोनॉमी हैज लेड टू ड्रास्टिक चेंज इन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेटअप इन केस ऑफ वुमेन। आ गए हम वुमेन पे। इट हैज लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट इन फॉलोइंग वेज। मैंने यहाँ पे 10 नंबर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा डायमेंशन और थोड़ा ज्यादा लिखा है ताकि वो नॉलेज आपको आगे पीछे भी काम आ जाए। ठीक है, आप इसका 70% लिख देंगे, आपको तब भी 6-7 नंबर 10 में से अच्छे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज्ड विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ब्रिजिंग रूरल अर्बन डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ल्ड बैंक का डाटा डाल दिया है जो मैंने तब प्रिपेयर कर लिया था जब मैं न्यूज़पेपर को में से गिग इकोनॉमी को पढ़ रही थी। एज पर डाटा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इंडिया विटनेस्ड, ठीक है, डिक्रीज इन लेबर फीमेल फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन फ्रॉम 30% इन 1990 टू 21% इन 1919। ठीक है, ये एक डाटा मैंने डाला ये बताने के लिए कि गिग इकोनॉमी अब कैसे फायदा दे रही है। हाउएवर, गिग इकोनॉमी ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, टारगेट बेस्ड इन वर्क एंड मोर चॉइस इन रेंज ऑफ वर्क लाइक मैनेजरियल, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा। हैज सच फ्रीडम टू वर्क एज पर वंस रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी हैज लेड टू मोर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। आप समझे कि न्यूज़पेपर के डाटा को आंसर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कैसे फ्रेम किया। मजा आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस। ड्यू टू डिजिटल वर्क प्लेस एंड फैसिलिटीज सच एज वर्क फ्रॉम होम कल्चर, इट इज प्रोवाइडेड वेमेन फ्रीडम टू वर्क अलॉन्ग विद बैलेंसिंग द हाउस होल्ड चोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एग्जाम्पल चाइल्ड केयर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया वेमेन को फेवरेबिलिटी दे रही है गिग इकोनॉमी। अगला पॉइंट है ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ठीक है, एज वर्क इज टेक्निकल, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड टारगेट बेस्ड, हेंस प्रमोशंस डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। तो ये तो टारगेट बेस्ड है, आपने अचीव किया, आपको मिल गई, तो वुमेन को जो ग्लास सीलिंग थी वो तोड़कर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। वी आर सीइंग मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर, मोर वुमेन इन लीडरशिप एंड दिस इज लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी। ऑब्वियसली डिजिटल वर्क प्लेस जो है बहुत ज्यादा एक फिजिकली भी फीमेल के लिए सिक्योर्ड है। देन राइज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, जैसे नायका का इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है कि सब कुछ डिजिटल है, हायर एंड फायर है, देर इज लेस रिस्क। अगर मुझे कहीं पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे लगता है एक्सपेंशन करके फायदा है, थोड़ा 6 महीने एक साथ में नहीं लगा तो आई कैन जस्ट क्लोज इट अप। सो इट इज वेरी इजी बिकॉज लेबर फोर्स इज इजीली अवेलेबल। हेंस इकोनॉमी में अब वुमेन साइड से भी बहुत स्टार्टअप हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इट हैज एक्सपैंडेड द डिसीजन मेकिंग रोल इन द फैमिली, दिस इज लेड टू ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो अब नाउ कुछ चैलेंजेस भी है, वही जो मैंने पहले भी बोले, लाइक नीड फॉर रीस्किलिंग एंड ट्रेनिंग, जेंडर डिजिटल जेंडर डिवाइड, जेंडर पे गैप्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, नीड फॉर फेवरेबल लॉ, अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब लाइक हायर एंड फायर। कुछ ना कुछ इश्यूज तो रहेंगे ही, पर हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। हाउएवर, गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉरवर्ड, कंक्लूजन जो है बहुत ही पॉजिटिव और अपॉर्चुनिस्टिक दिखाना चाहिए आपको। गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉरवर्ड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स विद स्टेप सच एज, लेटेस्ट एड कर दिया जो सरकारी लॉ है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 दैट एम्स टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर गिग वर्कर्स। एक लाइन में आपने वो भी डायमेंशन डाल दिया। गिग इकोनॉमी हैज फाइनली कंक्लूजन, गिग इकोनॉमी हैज लेड टू एम्पावर्ड एंड ऑल इंक्लूसिव इकोनॉमी, हाउएवर केयर मस्ट बी टेकन टू रीप इट्स बेनिफिट टू द फुलेस्ट। हेलो एस्पिरेंट्स, अब हम चलते हैं सोसाइटी के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो आपको बोलता है डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला तो ये पूछता है आपसे कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
और दूसरी चीज जो ये आपको पूछता है वो है इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, ठीक है, क्या मेजर्स लिए उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, लेकिन जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम क्वेश्चंस को तीन वे में समझेंगे। पहला है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो हमने समझ ली। दूसरा है हम आपको रॉ मटेरियल बताएंगे कि आपने पहले क्या क्या प्रिपेयर होना करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, या पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, क्योंकि 2021 जो ईयर है वो एक सेंसस ईयर है, और इस ईयर जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही था और इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आने वाले एक दो साल में क्वेश्चन जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है वो आएंगे ही आएंगे। तो आगे के लिए भी आपको क्या क्या तैयार करना है, जो रॉ मटेरियल है वो हम यहाँ पे आपको मेंशन करते हैं। पहली चीज आपको एक जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडेक्स मॉडल जो है वो तैयार करना है। ये नॉर्डस्टन एंड थॉमस्टीन जी ने दिया था। इसमें चार फेजेस के बारे में बताता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हैं, जिन फेजेस में हर कंट्री पास करती है। अगले कुछ स्लाइड्स में हमने इन सब रॉ मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो आप खुद से देख सकते हैं। अगली चीज आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड पता होना चाहिए। अब बहुत सारी जगह ये पे देखा गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलने में तो है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पर आपको लिखना नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं यंग पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है जब इकोनॉमी बेनिफिशियल हो, पॉपुलेशन बेनिफिशियल हो इकोनॉमी के लिए। अल्टीमेटली जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको प्रिपेयर करनी है, जो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। फिर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स है, बेसिक डाटा है जो आपको पता होने चाहिए पॉपुलेशन के किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। ये आपको पता होने चाहिए 2011 के, और क्या चेंज आया है 2021 में, ठीक है। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर्स में और गवर्नमेंट साइट्स पे भी प्रोवाइडेड है, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और कौन सी कंट्रीज में ये चीज देखने को मिलती है, ओवर पॉपुलेशन कहाँ है, अंडर पॉपुलेशन कहाँ है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहाँ है, क्योंकि ये पॉपुलेशन को समझने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। एंड अल्टीमेटली जब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी जो है हमें वो टिप्स पे होनी चाहिए। अगर ये सारा नॉलेज, अगर आपने एक पॉपुलेशन के टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर किया है, पॉपुलेशन का मतलब यही नहीं है, ठीक है, कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन का मतलब है कि आपको बहुत ही प्लान्ड वे में पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज को तैयार करना है। तो जब आप इन सब चीजों को तैयार करके रख लेंगे, इन 5 डोमेन्स को, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड हर क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं आगे, ये देखते हैं, ये रॉ मटेरियल है जिसकी बात हमने की थी। यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में बताया गया है, इसके स्टेजेस के बारे में बताया है। आपने खुद भी इसको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे बस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम डिटेल में डील नहीं कर रहे, हम बेसिकली यहाँ पे अब डील करेंगे आंसर राइटिंग में। ये आपके लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन है, किस क्या क्या इंडिया के पास कितना डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, कि इंडिया की 62.5% पॉपुलेशन जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, किस एज ग्रुप में ये फॉल करते हैं, वो सब अपने बेसिक नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके एडवांटेजेस क्या है, बाकी और इंफॉर्मेशन डाटा हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन का, वो भी हमने यहाँ पे विद एग्जांपल फ्रॉम द कंट्रीज जो है, विद एग्जांपल फ्रॉम द कंट्रीज आपको प्रोवाइड किया है। ओवर पॉपुलेशन कहाँ, इंडिया, चाइना, सब सहारन कंट्रीज में, जहाँ पे गरीबी भुखमरी है, ये देखो पॉल्यूशन है, माल नरिशमेंट है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये सब देखने को मिलता है आपको। उसके बाद अंडर पॉपुलेशन कहाँ पे है, ठीक है, क्या कौन सी कंट्रीज फेस कर रही है, और वॉट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और कौन सी कंट्रीज ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वो अचीव कर चुकी हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। एंड फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता करने के लिए, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में आई थी, ठीक है, क्या उस पॉपुलेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके उसके इमीडिएट, लॉन्ग टर्म, मीडियम ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके टारगेट्स क्या हैं। अगर आप इन चीजों को ध्यान से
पहले ही प्रिपेयर करके रखेंगे एग्जाम में आने से पहले ही, तो आपको पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को एड्रेस करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, हम बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन बहुत ही इंप्रेसिव होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और वो बता दे एग्जामिनर को कि आप बोलना क्या चाहते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो हमने कैसे अपना नॉलेज रिफ्लेक्ट करवाया है, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत कुछ लेते हैं पर ज्यादातर देखा है लिख नहीं पाते, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आंसर राइटिंग की तो बहुत जल्दी आप ऐसे ही ऑसम क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ बोलते हैं इन द थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, दैट मीन्स स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इंडिया इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। हमने बोल दिया एक तरफ हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का नॉलेज भी डाल दिया और हमने बता दिया कि हमें ओवर पॉपुलेशन भी है। ठीक है, देख रहे हैं कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट को। देयरफॉर पॉपुलेशन एजुकेशन, अब उसको लिंक कर दिया, किससे लिंक किया आपने, उसको लिंक करते हैं आप जो है वो क्वेश्चन से लिंक करते हैं आंसर को हमेशा। Therefore, population education is utmost necessary to boost. क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा है ना क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव्स तो हमने इंट्रोडक्शन में ही ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा दिए हैं। टू बूस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें प्रोवाइड हो जाएगी बाय हेल्पिंग एंड द क्राइसिस ऑफ रिसोर्स क्रंच, ओवरक्राउडिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें, और अवेयरनेस करेगी पॉपुलेशन एजुकेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने इंट्रोडक्शन इटसेल्फ में बता दिए। अब आगे देखते हैं, डायरेक्टली आ गए हम इंट्रोडक्शन के बाद, अब हम इनको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन आर, अब इनकी हमने सब हेडिंग्स दे दी। पहला बताया हमने ऑब्जेक्टिव क्या है पॉपुलेशन एजुकेशन का, ताकि हम अचीव कर पाए ऑप्टिमम पॉपुलेशन। देख रहे हैं हम कैसे नॉलेज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आंसर राइटिंग में। ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैसे अचीव करेंगे, बाय अडॉप्टिंग मेजर्स, क्योंकि क्वेश्चन की दो ही डिमांड थी, पहला क्या था ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या था क्या इंडिया ने किया। हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव बता दिया क्या है पॉपुलेशन एजुकेशन का, अचीव करना ऑप्टिमम पॉपुलेशन। कैसे, इंडिया ने क्या मेजर्स किए, बाय अडॉप्टिंग मेजर्स एज। देख रहे हैं क्वेश्चन की डिमांड को हमारा आंसर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं, बाय अडॉप्टिंग मेजर्स सच एज नंबर वन, ठीक है, प्रमोट द कल्चर ऑफ फैमिली प्लानिंग। पॉपुलेशन एजुकेशन होगी तो लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएंगे। इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट ऑफ स्मॉल फैमिली साइज, प्रमोट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, रिड्यूस IMR एंड MMR, ठीक है, एंड मेजर्स इन दिस रिगार्ड आर पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। अब मैंने आपको बताया कि जब हमने पॉपुलेशन का रॉ मटेरियल में आपको बोला कि पॉपुलेशन पॉलिसी आपको तैयार करनी ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका रेफरेंस दे दिया। और ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके जो आप यहाँ लिख पा रहे हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के, ये सारे इनमें से कुछ जो है पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। बस शब्दों का खेल है, बाकी मेन की पूरी गेम आपके हाथ में है। ठीक है, सोशल अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, मिनिमम एज ऑफ मैरिज, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव थ्रू वेरियस स्कीम्स फॉर स्मॉल फैमिली अडॉप्शन। तो यहाँ पे हमने बोला कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वो हमें जो हमारी पॉपुलेशन की जो एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि वो हमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन अचीव करने में हेल्प करेगी। कैसे करेगी वो हमने यहाँ पे मेजर बता दिया। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला था ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जो आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो यहाँ पे आइए आप, ये ऑब्जेक्टिव नंबर टू है, ऑब्जेक्टिव नंबर टू है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू वुमेन। अब हमने सब हेडिंग में अलग अलग सेक्शंस को बताया कि पॉपुलेशन एजुकेशन कैसे हेल्प करेगा। अब अगर औरतों को जागरूकता होगी पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में, ठीक है, देयर विल बी डिलेड एज ऑफ मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो है वो पनिशेबल है, ये सब पता चलेगा। ठीक है, उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एजुकेशन मिलेगी, पॉपुलेशन एजुकेशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बताया जाता है। उनको नॉलेज मिलेगी उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स की, प्रमोट होगी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज स्कीम्स, उनको सरकारी स्कीमों के बारे में पता चलेगा, जैसे जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है इत्यादि। विमेन की एजुकेशन बढ़ेगी, उनको पता चलेगा कि हमें जो 10th तक है, ठीक है, वेरियस स्कीम्स है, हमें फ्री एजुकेशन है। तो ये सारी चीजें जो एक जेंडर सेंसिटाइजेशन है, जो जो आप देख रहे हैं ये जेंडर है, ठीक है, जो जेंडर
सेंसिटाइजेशन है, ये अगेन दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन. समझ आ गया आपका रिलेटेड टू वेमेन. अगले अगले पॉइंट पे चलते हैं. अब कहाँ पे गए हम, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एनवायरमेंट देख रहे हैं. पहला ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अचीविंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन. सेकेंड ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू वेमेन. थर्ड ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एनवायरमेंट. अब देखेंगे हम थर्ड एनवायरमेंट के लिए क्या बोलता है. एनवायरमेंट के लिए जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उससे उससे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगी. कैसे वो बता रहे हैं. क्रिएट होगी अवेयरनेस अबाउट द पॉपुलेशन प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन एनवायरमेंट ड्यू टू राइजिंग ग्रोथ. एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वेटलैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, रिसोर्स क्रंच हो रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब की पॉपुलेशन एजुकेशन में ये सब भी आएगा. ठीक है, एडवर्स इंपैक्ट. तो एनवायरमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी हमारे अचीव हो रहे हैं. ठीक है, मेजर्स सच एज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सब अचीव होगा. ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो हमें पता चलेगा. क्लीनर एनर्जी को अडॉप्ट करने की हमें प्रेरणा मिलेगी. ठीक है, ये बताया कैसे कैसे प्रोग्राम सरकार ने इन सबको अचीव करने के लिए चलाए हैं. नमामि गंगे फॉर रिवर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह, जिससे हमें पता चले कि हमारी एयर जो है वो कितनी पॉल्यूटेड है. ठीक है, अब तीन मेजर उसमें हमने जो, अब इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है ना ही स्पेस है. अब हमने मेजर तो लिख दिया था, हमने जो आपकी पॉपुलेशन एजुकेशन है उसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव बता दिए. ठीक है, अब जो चौथा और भी आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे, उसमें उसको आप मिसलेनियस की सब हेडिंग डाल के सब कुछ उसमें लिख दो जो भी आपके माइंड में आ रहा है. ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन सच एज, अब यहाँ पे हमने ओवरक्राउडिंग, स्लम्स, डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इशू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल्स हो गया, क्राइम, हंगर, पॉवर्टी, डिजीज. तो ये सारी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है दैट आर बिकॉज ऑफ राइजिंग ओवर पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, वो भी पॉपुलेशन एजुकेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना. और फिर उनको एड्रेस करने के लिए मेजर्स क्या है, मेजर्स जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना बीइंग अडॉप्टेड टू सॉल्व द अर्बन प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरियाज, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बीइंग टेकन थ्रू स्किल, मतलब उसको जो यूटिलाइजेशन है वो रहा स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्कीम्स आ रही है फॉर स्टार्टअप, स्टैंड अप, एडल्ट लिटरेसी की तरफ फोकस हो रहा है. ठीक है, देयरफॉर अब हमने कंक्लूजन करना है. नीचे देखो अब एक आपका कंक्लूजन आ गया. कंक्लूजन, देयरफॉर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, इज पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन. इतने सारे ऑब्जेक्टिव बोल दिए, एंड में क्रक्स डाल दिया, पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन, रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन. समझ आ गया, इस तरीके से आपने एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जिसमें आपने एक सिंगल सिटीजन तक को इन्वॉल्व कर लिया है. ठीक है, इस तरीके से आपने अपना आंसर कंक्लूड कर लिया. तो समझ आ गया, देखने में तो बहुत ही सिंपल है कि यार पॉपुलेशन के एजुकेशन है, कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख देने से कुछ भी मार्क्स आ जाएंगे. लेकिन अगर आप एक आंसर का स्ट्रक्चर प्रॉपर देंगे, रॉ मटेरियल उसको बहुत ही एक बेसिक बुक्स पढ़ के देंगे तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. और डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आपके नंबर 15 में से 10 तक आराम से आ सकते हैं. एस्पिरेंट, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ सोसाइटी में, जो 2021 का लास्ट क्वेश्चन है. How does Indian society maintain continuity in traditional social values and enumerate the changes taking place in it? तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन के भी तीन पार्ट है. पहला पार्ट है How does Indian society maintain continuity in traditional social values? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि what are the traditional social values of Indian society? ठीक है, तो आपको पता करना है कि ये जो social values है ये कौन सी values है जो आपको पता होनी चाहिए. दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि how does it maintain continuity, क्योंकि लिखा है ना कि how does it maintain continuity, तो आपको शो करना पड़ेगा कि वो जो values है वो continuity में अगर है तो वो कैसे आ रही है. और थर्ड पार्ट जो है कि enumerate the changes taking place in it. तो अब जो है
जो चेंजेस है उसमें वो क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको इसको लिखने के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप इसको पार्ट में लिख सकते हैं और एक आप इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। अगर आपको इसको पार्ट्स में लिखना है तो आप इसमें पहले बताएंगे कि इंडियन सोसाइटी जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है उसमें ये सोशल वैल्यूज थी, ठीक है। फिर बताएंगे कि उनको मेंटेन कैसे किया जाता है, कि कौन सी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन है, मोरालिटी है, लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो सब आपका हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद आप बताएंगे कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो प्रेजेंट में जो चेंजेस है वो कैसे हो रहे हैं, कि जो चेंजेस है वो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन हो रहे हैं, और वो क्या चेंजेस है। कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक तरीका तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है वो जो है वो हमने इसमें एड्रेस करके बताया है, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड मैनर में अपना हमने आंसर को एड्रेस करने की कोशिश की है, जिसमें हमने वेरियस वैल्यूज को एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कि फैमिली में कैसी वैल्यूज थी, ऐसी इकोनॉमी में कैसी वैल्यूज थी, और फिर वो मेंटेन कैसे हो रही है, और साथ में उनमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो इस दो तरीके से आप क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस स्लाइड में आपको बेसिकली नॉलेज हमने लिखा है जो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए चाहिए, कि ट्रेडिशनल जो सोशल वैल्यूज हैं वो है क्या इंडियन सोसाइटी की। तो अगर आप देखें तो इंडियन सोसाइटी की जो सोशल वैल्यू है वो पीस, पीसफुल है, टॉलरेंस, ठीक है, फिर उसके अलावा कॉपरेशन है, देन शेयरिंग एंड केयरिंग है, हेल्पिंग एटीट्यूड है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है, ऑबिडियंस बाय यंगर वंस है, सेल्फलेस सर्विस है, ह्यूमनिज्म है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके की जो भी सोशल वैल्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये अगर आपने एथिक्स अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो उसी में वैल्यू सिस्टम जो है वहां पे आपको ये नॉलेज होगा, तो एग्जाम में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं हाउ दीज वैल्यूज कंटिन्यू इन सोसाइटी। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये बस आपको एक फ्रेमवर्क बताया है। ये वैल्यूज कैसे मेंटेन है, मैंने आपको बताया ना, फैमिली ट्रेडिशन है, सोसाइटी है, सोशल रूल्स है, मोरालिटी है, रिलीजन है, एनकल्चरेशन से, एकल्चरेशन से, उस तरीके से ये रीइंफोर्स करती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन से, स्कूल है, ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से वेरियस स्फीयर्स की जो है वो आपकी वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखा है, जैसे मैंने बताया फैमिली वैल्यू कैसे है, रिलीजन कैसे है, सोशल सेक्टर कैसे है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि क्या चेंजेस इनमें हो रहे हैं, ठीक है, और एक हल्का सा तीनों को इंटीग्रेट करके एनालिसिस। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि क्वेश्चन इंटीग्रेटेड मैनर में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दे दी है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इज अ प्लूरल मल्टीकल्चरल सोसाइटी दैट होल्ड्स वैल्यू ऑफ पीस, लव, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, कॉपरेशन, रिस्पेक्ट, सेल्फलेस सर्विस, ह्यूमनिज्म। तो जो वैल्यूज है वो इंट्रोडक्शन में ही हमने डाल दी। फिर हम बता रहे कैसे मेंटेन हुई, दीज वैल्यूज आर मेंटेन थ्रू फैमिली ट्रेडिशन, एकल्चरेशन, एनकल्चरेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सोशल इंसेंटिव्स, या आप सिंपलर टर्म्स में ये भी बता सकते हो, दीज वैल्यूज आर मेंटेन बाय फैमिली, बाय सोसाइटी, बाय स्कूल, बाय रिलीजन, बाय मोरालिटी, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉज, तो ये सब भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। हाउएवर एलिमेंट्स ऑफ चेंज कैसे आया, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से काफी चेंजेस आए, ये हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जामिनर को बता दिया कि आपको हमारे क्वेश्चन में क्या मिलने वाला है। अब हम चलते हैं इसके डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में मैंने इंटीग्रेटेड मैनर में लिखा है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग हेडिंग में डिवाइड किया। अब इन केस ऑफ फैमिली क्या सोशल आपकी वैल्यूज होती थी, ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट फैमिली स्टिल कंटिन्यूज mostly in rural areas, ठीक है, members have, family members have shared responsibility and live in cooperation, ये values है, elders enjoy authority and children live in obedience, ये हमारी family को लेके social values है। Changes क्या है, under influence of modernization, there is erosion of values of collective responsibility, ठीक है, individualism आ गया है, there is increasing trend towards individualism, shift to nuclear family, mostly in urban areas, and there is erosion of authority of elders, जैसे कि elderly
निग्लेक्ट और एल्डरली अब्यूज हम आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमने बता दिया फैमिली के केस में कौन सी वैल्यूज थी और क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं। मेंटेन कैसे हो रहा है वो हमने ऊपर ही लिख दिया। इन केस ऑफ मैरिज, मैरिज के केस में कैसे जो वैल्यूज है क्या थी पहले और क्या चेंज है। क्या थी? मैरिज इज रिगार्डेड एज सैक्रोसैंक्ट, मतलब वो पवित्र है, सीक्रेट है, ऐसा हमारे ट्रेडिशन में माना जाता था। कंसिडर्ड एज फैमिली अफेयर, आज भी ये फैमिली अफेयर है, ठीक है, मम्मी पापा को पूछते तो है ही, एल्डरली परमिशन भी होती है, कुंडली मेल भी देख ही लेते हैं मोस्टली केसेस में। कंडक्टेड विद एग्रीमेंट ऑफ एल्डर्स इन द फैमिली, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इन अर्बन सेटअप क्या चेंजेस आ रही हैं, केसेस ऑफ डिवोर्स, अब जो है डिवोर्सेस सेपरेशन बहुत है, जो ट्रेडिशन था उसमें कभी डिवोर्स का नाम ही नहीं था, इस जन्म तक को तो छोड़ दो, अगले 7 जन्म के लिए रिश्ता पक्का माना जा रहा था, तो इस जन्म में अलग होने का तो सवाल ही नहीं। आजकल क्या चल रहा है, डाइवोर्स, ठीक है, न्यू टाइप्स ऑफ मैरिजेस आ रहे हैं, गे रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, लिव इन मैरिजेस आ रही हैं, ये सब चीजें इमर्ज कर रही है। द सीक्रेट, वो जो सीक्रेट कंपोनेंट था मैरिज का, जो ट्रेडिशन था कि नहीं ये बहुत पवित्र है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, इट इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, मोर ऑफ एन इंडिविजुअल चॉइस, कि दो लोग बोलते हैं यार मेरी ये प्रेफरेंस है, मैं ऐसा हूँ, ये एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, दूसरा पर्सन भी बोलता है, ये सब है, मैच होता है तो ठीक है, तो नाउ मोर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टाइप, ठीक है। ये चेंजेस हमने देखे मैरिज में। अब हम चलते हैं चेंजेस इन केस ऑफ सोशल सेटअप। सोशल सेटअप में अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ प्लूरलिज्म, टॉलरेंस, ब्रदरहुड हैव मेड इट पॉसिबल, आज भी है, तभी तो मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल सोसाइटी पीसफुली अभी तक रह पा रही है। जितनी वेरिएशन इंडिया में है उतने डिस्प्यूट्स नहीं होते, ये तो थोड़ा आपको पता है कि टीआरपी के केस में केसेस को उछाला जाता है, पर जितनी डाइवर्सिटी है बाकी देशों में जो दो कम्युनिटी के लोग है वही नहीं सेटल हो पा रहे, यहाँ पे इतने ज्यादा डिफरेंट फेथ, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड सब कुछ है, लेकिन फिर भी ज्यादातर हम सब लोग, अगर आप अपनी जिंदगी में देखिए, हम शांति से ही रह रहे हैं, ठीक है। और किसने कंजर्व किया, वही लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म की हम बात की। अनफॉर्चुनेटली क्या चेंजेस आ रहे हैं, देयर इज राइज ऑफ कम्युनलिज्म हो रहा है, अलगाववाद हो रहा है, रीजनलिज्म, सन ऑफ सॉइल प्रिंसिपल, ठीक है, एंड ये सब क्या बन गए हैं, थ्रेट टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ओके, दे हैव बिकम थ्रेट टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। अगर अब आप देखिए आगे चले, ठीक है, लव इज डिमिनिशिंग, म्यूचुअल हेट्रेड इज ग्रोइंग, एग्जाम्पल डाल दो यहाँ पे, ट्रीटमेंट टू मेटेड आउट टू पीपल ऑफ यूपी एंड बिहार इन महाराष्ट्र, जो वो करता है, ठीक है, एंड देन मुजफ्फरपुर राइट्स, तो कुछ आप एग्जाम्पल डाल दो कि आजकल जो इंटॉलरेंस है वो बढ़ रही है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के केस में कौन सी वैल्यूज हमारी अभी चल रही है और कैसे उनका इरोजन हो गया है। एडहेरेंस टू धर्म, अभी भी हमारे में मैक्सिमम जो है धर्म को मानते हैं, फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, हाँ, कर्म का फल, गीता, या कोर्ट में भी गीता की ही कसम खाई जाती है, हाँ, तो कर्मा चल रहा है, गीता पॉपुलराइज हो रही है। पाथ ऑफ राइटियसनेस, आज भी हम सब जो है गॉड फियरिंग पीपल है, मोरालिटी, सेल्फलेसनेस, चैरिटी, बहुत ज्यादा चैरिटी, इंडियंस आर नोन फॉर बीइंग चैरिटेबल, अब दान जो है वो जिंदगी में साथ साथ पे चलता ही रहता है। मोरालिटी हैव बीन प्रिजर्व्ड थ्रू वेरियस रिलीजियस टीचिंग्स, आज भी धर्म जो है वो हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है रिलीजन के उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इरोजन कहाँ देखने को मिल रहा है, क्या चेंजेस है, have led erosion of such values have led to emergence of crime, theft, rape, ठीक है, violence in society, ये आजकल देखने को मिल रहा है। कुछ positive changes भी देख रहे हैं धर्म की change में, कि superstitions को beat हो रहा है, जैसे अभी पीछे there was no temple entry for women in some temples, तो उसके लिए movement चली है ना, तो जो धर्म की कुप्रथाएं हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता भी आ रही है, एजुकेशन की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, वो भी बढ़िया है, ठीक है। ओवरऑल कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी है देखने को मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम कंक्लूड करेंगे। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज आर विटनेसिंग अ फेज ऑफ, क्या देख रहे हैं, ऑफ ट्रांजिशन एंड अडॉप्शन ऑफ रेशनैलिटी, इट इज हेल्पफुल बट इरोजन ऑफ कोर वैल्यूज नीड टू बी प्रिजर्व इन ऑर्डर टू सेव आवर कल्चर। कुछ पॉजिटिव चीजें तो अच्छी हो रही है हमारे कल्चर में, जो कुछ वैल्यूज जो है
वो डी मतलब वो इस तरीके से इम्पैक्ट कर रही थी कि उनका जो उनको उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही नेगेटिव हो रही थी। उनमें तो चेंजेस आ रहे हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस है ठीक है आज, लेकिन जो कोर वैल्यूज है वो बहुत ही अच्छी है, वो नेक है। जो कोर वैल्यूज है वो हमने इनिशियली आंसर की इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस की है ठीक है, वो पीस लविंग काइंड की, तो हमें उनको प्रिजर्व करना है, और बाकी जो है बाकी तो सब चीजें बढ़िया है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एड्रेस कर सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे सोसाइटी के अगले क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ डज इट इफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी, हैज इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स है। पहला पार्ट में आपको बताना है द डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अब जो बेसिक आपका सोसाइटी पार्ट है ठीक है, उसके साथ इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट कर दिया है टेक्नोलॉजी पार्ट को, और वो वाला टेक्नोलॉजी पार्ट जो करंट अफेयर बेस्ड है। ठीक है, तो अब आपको जब भी किसी क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी अगर आप किसी भी आगे के लिए पता चलता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपने हमेशा उसके जो इम्पैक्ट है वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, तो वो सारे इम्पैक्ट जो है वो इन फ्यूचर भी आपने हमेशा तैयार करके रख लेने हैं कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर कोई भी नई डेवलपमेंट हुई है तो उसके वेरियस जो डायमेंशंस में जो इम्पैक्ट्स है वो क्या होंगे, ये आपको हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन के तीन पार्ट है। पहले डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो डेफिनेशन जो है बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को एक इम्प्रेशन आ जाए आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन नहीं पता है तो अपने बेसिक नॉलेज को लगाकर आप एक सिंपल लाइन की डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं, पर वो किसी तुक्के पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। वो प्योरली आपके किसके बेस्ड होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड, कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वरना आप एक रूटीन प्रैक्टिस बना लीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं उनकी बेसिक सी डेफिनेशन आप हमेशा तैयार करके रखिए, क्योंकि अगर नहीं भी पूछी है तो इंट्रोडक्शन के रूप में अगर आप डेफिनेशन लिख देते हैं तो वो भी आपको ज्यादा नंबर दिलाती है। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको ये प्रिपेयर करना है। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट है इंपैक्ट ऑन ग्लोबल सोसाइटी। अब क्रिप्टो करेंसी आ गई, पहले हमने जाना ये क्या है, फिर इसका इंपैक्ट ग्लोबल सोसाइटी पे क्या पड़ा। तो इसको सोचने के लिए आप दिमाग लगाइए कि सोसाइटी के कितने पार्ट है। सोसाइटी में इकोनॉमी है, क्योंकि आपको लगेगा क्रिप्टो करेंसी है इसका तो सिर्फ इकोनॉमी पे पार्ट है। इकोनॉमी के अलावा और कौन सी डायमेंशन है ठीक है, क्या इकोनॉमी के ही सब पार्ट में क्या एम्प्लॉयमेंट की डायमेंशन आ गई, आ गई उस पे क्या असर पड़ा। उसके बाद क्या ये एक वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आएगा, इक्वालिटी ला सकता है, हाँ वो भी आ सकती है, हम आगे देखेंगे कैसे। तो वो इम्पैक्ट पड़ा ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, एक ज्यादा इंटीग्रेशन हो गई बियॉन्ड बॉर्डर्स। अब जो बॉर्डर का जो लिमिटेशन थी, जो आपको वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस है डिफरेंट कंट्रीज के, या कुछ भी आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स है मतलब, या आपको कोई भी मतलब जो रूल्स है उनके बियॉन्ड क्या ये एक वर्चुअल करेंसी आप को ज्यादा एक्सेस दिलवाएगी। तो वो भी है कि एक ज्यादा जो इंटीग्रेशन है वो हो सकता है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या इसका ग्लोबल सोसाइटी के ऊपर असर पड़ा। पॉजिटिव असर के साथ नेगेटिव असर भी होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो आपने देखना है, और उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। अब इंडिया स्पेसिफिक जो कुछ इम्पैक्ट इस करेंसी का पड़ सकता है उसको ब्रीफली एनालाइज करना है। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो उसको प्रोपोर्शनेटली हम एड्रेस करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, क्योंकि ग्लोबल और इंडियन सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो सेम है, तो वो एंड में सम अप कर दिए हैं ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल वर्चुअल करेंसी। तो
अब ये तो पता चल गया एग्जामिनर को कि इसे पता है कि ये वर्चुअल मोड में है, इन हैंड या फिजिकल करेंसी ये नहीं है, ठीक है। दैट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, तो अगर आपको पता है, ठीक है, शो करना एग्जाम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं उनकी जो कैलकुलेशंस है, डिफरेंट उनको सम्स को सॉल्व करके जो है वो क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है, जनरेट की जाती है, विच आर नॉट इजी, विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, है ना। तो ये ऐसे ही इसको सिक्योर किया जाता है, वरना तो मैं चाहूं तो मैं फटाफट आज ही कितनी सारी क्रिप्टो करेंसी कर दूं, तो कोई तो तरीका होगा इसको जनरेट करने का, तो वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं आगे। दे आर, क्या है ये, ठीक है, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अभी हम ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जनरेट जो की जा रही है, इसका कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, अभी ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी चल रही है दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसीज के एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कि इथेरियम और बिटकॉइन, आपको और पता है आप और डाल दीजिए, लेकिन हमें बस एक आध बताना है। एंड देन वी आर, हाउ वी आर लिंकिंग इट, पहले डेफिनेशन दे दिया, अब अगले पार्ट पे लिंक कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज हैव बिकम अ मेजर कंपोनेंट, क्या बन गई है ये, मेजर कंपोनेंट ऑफ इन फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, कि इसके बिना आप इसको आज अगर इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लैग बिहाइंड कर जाएंगे। तो ये दे आर बिकमिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है। हमने इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी लिंक कर दिया है, और जिसमें मतलब आप कर सकते हैं लिंक, मैंने यहाँ आपको बताने के लिए, एक आइडिया देने के लिए लिखा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर यूजिंग फिजिकल डिजिटल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड्स। सो समवेयर क्रिप्टो करेंसी फॉल्स इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, अब डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट एड्रेस करने के बाद हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन ग्लोबल सोसाइटी। अब दुनिया की सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो पहले खुद से सोच के देखिए, वो ये चीजें जो है रेगुलरली न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आएंगी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट में आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज द एनालिसिस पार्ट। स्टैंडर्ड टेक्स्ट में आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, पर उसके इम्प्लीकेशंस और उसका एनालिसिस वो आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका बेस अच्छा है और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि वर्ल्ड सोसाइटी के ऊपर इसका क्या क्या असर पड़ेगा, ठीक है, वो देखते हैं हम क्या क्या असर पड़ेगा। अगर हम खुद से सोचे, ठीक है, तो क्या ये असर पड़ेगा, ठीक है, कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे होगी, कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, उसको जो लोग एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय सम कंट्री, इट इज नॉट रेगुलेटेड, इट इज डिसेंट्रलाइज, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ रहा है फिलहाल, कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहूं और मेरा मार्केट एनालिसिस अच्छा है क्रिप्टो को लेकर, तो मैंने आज खरीद ली, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसको मैंने बेच दिया, तो मैं अपनी मर्जी से फंड अवेलेबल कर रही हूँ, जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ अ स्टॉक मार्केट। फिर उसके बाद इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के बाद हमने क्या, क्या ये दुनिया को ज्यादा इंटीग्रेट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बैठकर, अब धीरे धीरे कंट्रीज भी ओपन अप हो रही है डिजिटल करेंसी को लेकर, मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, मेरे पास डॉलर्स नहीं है, मेरे पास यूरोस नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको एक्सेप्ट कहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे पता है कि वहां पे वो कंट्री जो है वो डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी को मान रही है, तो मैंने उठाया और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिजिटल करेंसी है, उसको थोड़े टाइम पहले मैंने इन्वेस्ट करके उसको ज्यादा कर लिया, ठीक है, खरीदा बेचा खरीदा बेचा,
मैंने इन्वेस्ट किए थे 10,000 और मान लीजिए अब मेरे पास 10 लाख रुपए है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे किसी कंट्री में जाके जो है वहां पे इन्वेस्ट करना है एंड आई एम डूइंग दैट। ठीक है, सो देयर इज मोर मार्केट इंटीग्रेशन, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे बैठ के सब कर सकती हूँ, मुझे ज्यादा रेगुलेशन, मुझे ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत नहीं, क्लियरेंसेस की जरूरत नहीं है। तो ग्लोबल, तो दिस इज क्रिएटिंग अ ग्लोबलाइज्ड मार्केट। ओके, दिस इज क्रिएटिंग अ ग्लोबलाइज्ड मार्केट। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखिए और क्या हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा है, सिंपल सी बात में अगर हम करें तो देर आर मोर, ये दिस विल ओपन अप अपॉर्चुनिटी फॉर मोर मार्केट्स। ठीक है, क्या खुल रहा है आपका? मोर मार्केट्स। ठीक है, बिगर सप्लाई चेन्स, सप्लाई चेन इंप्रूव हो रही है, विदाउट विदाउट ब्लॉकेजेस वो खुल रही है। और क्या हो रहा है आपका? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लोग ज्यादा स्टार्टअप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक ग्लोबल सोसाइटी को ये एक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी बना रही है जो ज्यादा इंटीग्रेटेड है। तो अब देखते हैं हम इस पे क्या लिखा है, वही बात है, मार्केट इंटीग्रेशन बियॉन्ड फिजिकल बॉर्डर्स। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग अप ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, ज्यादा रेगुलेशंस कंट्रोल्स नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइज्ड फंड मार्केट, यहाँ बैठे बैठे मैं किसी और कंट्री, किसी और नेशनल, कहीं से भी फंड सोर्स कर सकती हूँ, जिसकी वजह से इट विल प्रमोट मोर इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप ऑप्शंस। ठीक है, और उसके अलावा क्या है? ठीक है, उसके अलावा ये बोलता है इट विल ब्रिज द गैप इन वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, इन वैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहाँ? ठीक है, इन वैल्यूएशन ऑफ करेंसी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री। अब क्या हो रहा है? ठीक है, आप जानते हैं जैसे रुपी का एग्जांपल ले अभी हम, तो रुपी डिवैल्यूड है इन कंपैरिजन टू डॉलर, उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे कुछ भी करना है, मुझे इम्पोर्ट करना है, ऑलरेडी मुझे घाटा होता है। ठीक है, मुझे ज्यादा रुपी देने पड़ रहे हैं। पर अब क्या होगा अगर डिजिटल करेंसी एक एक्सेप्टेबल मोड आ जाती है वर्ल्ड ट्रेड में, तो इट विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगी। ठीक है, विच विल रिड्यूस द व्हाट विल रिड्यूस द स्टेटस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हुए हैं, इट विल प्रमोट इलेजिटेरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, विच विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न हेजमनी, जो कि एक बहुत बड़ा डिवाइड रहता है ईस्ट वेस्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल सोसाइटी पे एक्ट कर रही है। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिक क्या चेंजेस लेकर आ रही है। अगर आप इंडियन सोसाइटी के बेस पे देखो, देन अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल इम्पैक्ट, क्रिप्टो का इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले हमने दिक्कत की है, बात की है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। कैसे? आप देखिए आजकल मोबाइल फोन सबके पास है, गवर्नमेंट बार बार बात कर रही है कि जितना ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए रूरल एरियाज में, वेमेन में, उतना ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर ज्यादा रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रहा है, मोबाइल फोन आजकल सबके पास आ जा रहे हैं, तो इट विल इम्प्रूव द फाइनेंशियल एक्सेस। ठीक है, लोगों को प्रमोट किया जाएगा अगर ये एक रेगुलेट कर दी जाती है, लीगलाइज कर दी जाती है। ठीक है, तो एंड इट इफ इट इज सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी, तो इट विल प्रमोट मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फिर बात करते हैं हैसल फ्री ट्रेडिंग। ठीक है, जस्ट वन क्लिक ऑन द फोन, इजियर एक्सेप्टेंस ऑफ रेमिटेंस। आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, अगर डिजिटल करेंसी में होते हैं दैट विल समहाउ बेनिफिट अस मोर। ठीक है, अट्रैक्टिंग यूथ एज इजी ऑप्शन, यूथ आजकल क्रिप्टो करेंसी को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और नई टेक्नोलॉजी के लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्ट हो रहा है तो इसको अडॉप्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टमेंट का या स्टार्टअप के लिए उनको फंड्स प्रोवाइड करने के अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे कि देखा गया है, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन। समझ रहे हैं आप? ठीक है, कि क्रिप्टो किस तरीके से फैल रहा है और पॉपुलराइज हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क की। ठीक है, जब यहाँ पे आप बताएंगे ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आप वो भी लिख दीजिए कि ये जेंडर बायस को भी कर्व कर सकता है, ये रूरल बायस को भी, जो ब्रिज है रूरल गैप को, वो भी एड्रेस कर सकता है। ठीक है,
अब आप बात करते हैं रिस्क की। रिस्क हमने इकट्ठे का सम अप किए हैं। देखिए, एक फियर है कि अभी ये अनरेगुलेटेड है, ठीक है, तो ये जो ट्रेडी ये एक पैरेलल इकोनॉमी ना शुरू कर दे जो अनरेगुलेटेड हो, जिससे जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है मनी कंट्रोल की वो इम्पैक्ट हो जाए, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी चलती है, कहीं ऐसा ना हो ये इतनी पॉपुलराइज हो जाए कि इन गवर्नमेंट को इनफेक्टिव कर दे। दूसरा रिस्क क्या है कि अभी जो है एक जेंडर गैप है, एक डिजिटल डिवाइड है और एक डिजिटल इलिटरेसी है, तो अगर पढ़े लिखे लोग जो शहरों के हैं वो तो इजियर अडॉप्शन कर सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि एक सेक्शन हमारी सोसाइटी का पीछे ही छूट जाए एंड इट विल प्रमोट फर्दर इनइक्वालिटीज। फिर और क्या है रिस्क? रिस्क इज एसोसिएटेड विद साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। कहीं ऐसा ना हो जितने भी टेरर अटैक्स हो, क्योंकि मनी कहाँ से आ रही है, किसके अकाउंट में जा रही है, अगर ये टैप नहीं हुआ इट मे बी यूज्ड इन डार्क वेब में सारी गलत एक्टिविटीज होती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है वो इसके हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज हाई चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशन, क्योंकि अभी ये अनरेगुलेटेड है और हमें पता नहीं है कि आगे चल के इस पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी सम अप किया है। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक और पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लिखते हैं, हाउएवर सच फियर्स कैनॉट कंटेन द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट। क्रिप्टो करेंसी इज द डिजिटल गोल्ड, ओके, बिकमिंग लुक्रेटिव डे बाय डे, ठीक है, इट इज बिकमिंग लुक्रेटिव डे बाय डे एंड सीम्स टू बी फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग। Necessary security measures such as cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021 in India are required to provide the safety net and regulate the necessary evil. तो हमने बोला है कि कुछ regulation के साथ आप इसको कीजिए और ये हमारा जो है एक future gold है और हमें बहुत ही काम आएगा।